बाय स्कोप देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। बड़ी खबर ये आ रही है कि बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को सो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि जयंत सिन्हा ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, अपने बूथ पर मतदान के लिए नहीं पहुंचे और उसके बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें सो कॉज नोटिस जारी किया है और अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दो दिनों के अंदर उन्हें जवाब देने को भी कहा गया है। और बड़ी बात यह है कि न्यूज़ बाइस्कोप भी लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसी का लगता है ये असर हुआ है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी उदय जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस पूरे खबर को कवर किया है, हजारीबाग में ये लोकसभा चुनाव के दौरान मौजूद रहे। उदय, आप लगातार कवर करते रहे इसको, कल लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हजारीबाग में, जयंत सिन्हा अपने बूथ पर नहीं पहुंचते हैं, एक निवर्तमान एमपी का मतदान नहीं देना बहुत बड़े गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल नवीन, देखिए इस पर अब बीजेपी ने एक्शन ले लिया है। बाबूलाल मरांडी ने उन्हें सोकोज नोटिस जारी किया है। देखिए वो चुनाव प्रचार में भी शामिल नहीं हो रहे थे और उसके बाद उन्होंने अपने मताधिकार का भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि देखिए इससे पहले होता क्या था कि हजारीबाग में जब भी लोकसभा के चुनाव होते थे तो 450 नंबर हुपाद का ये बूथ वीआईपी बूथ में गिना जाता था, पूरी मीडिया वहाँ पहुँचती थी क्योंकि यशवंत सिन्हा वोट देने पहुँचते थे, उसके थोड़ी देर बाद जो वर्तमान सांसद थे जयंत सिन्हा वो पहुंचा करते थे। तो इसी उम्मीद में हम भी वहां पहुंचे थे कि जसवंत सिन्हा वोट देकर गए हैं तो आप थोड़ी ही देर में जो वर्तमान सांसद हैं जयंत सिन्हा वो भी वहां पहुंचेंगे। लगभग चार बजे का वक्त होगा जब वहां पहुंचे, वोटिंग में एक घंटे का वक्त शेष था, लेकिन जब हमने पता किया तो पता चला कि वो अभी तक नहीं आए हैं। वहां के जो बीएलओ या जो प्रोसीडिंग जो इलेक्शन ऑफिसर्स थे उनसे भी हमने पूछा कि आखिर वो आए हैं या नहीं, तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं आए हैं। उन्होंने वो जो मतदाता सूची होती है वो भी हमें दिखाया और उसमें भी उनके नाम के आगे टिक नहीं लगा हुआ था। तो ये अपने आप में बड़ी खबर थी कि इतने बड़े लोकतंत्र के महापर्व में जो 10 साल सांसद रह चुका, जो केंद्रीय मंत्री रह चुका और इतने बड़े नेताओं में जिसका नाम शुमार किया जाता है वो वोट देने ना आए, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल था। फिर हमने वहाँ के कई स्थानीय लोगों से बातचीत की तो पता यही चला कि वो नहीं आए हैं ना चुनाव प्रचार के दौरान। और सबसे बड़ी गंभीर बात ये है, देखिए कि पीएम मोदी जब चुनाव होते हैं तो दिल्ली से गुजरात जाते हैं, उनसे ज़्यादा व्यस्तता तो किसी की हो नहीं सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या जो भी राष्ट्रपति रहता है वो अपने बूथ पर वोट देने किसी भी तरीके से ये पहुंचते हैं क्योंकि इससे एक मैसेज जाता है। लेकिन अगर आप 10 साल सांसद रहते हैं, केंद्र में राज्य मंत्री रहते हैं, इसके बावजूद अगर आप वोट देने नहीं जाते तो अपने आप में गंभीर सवाल है। बिल्कुल, इस सवाल को हमने प्रमुखता से उठाया था। बिल्कुल, ये गंभीर सवाल है। बीजेपी के कद्दावर नेता, वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री होना, अगर वो एमपी बूथ आकर मतदान नहीं करता है तो निश्चित रूप से ये एक नेगेटिव मैसेज भी लोगों के बीच क्रिएट करता है। लेकिन उदय, अब ये समझने वाली बात है कि दो दिनों का वक्त दिया गया है, दो दिनों के अंदर वो अपना कारण स्पष्ट नहीं करते हैं तो कोई और बड़ा एक्शन दिख सकता है। बिल्कुल बड़ा एक्शन दिख सकता है, क्योंकि देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप वर्तमान सांसद हैं और वोट देने नहीं आते हैं। आखिर इससे मैसेज क्या जाता है कि क्या पार्टी ने आपको दो बार सांसद बनाया, पार्टी ने आपको केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा दिया, तो क्या एक बार अगर टिकट काट दिया गया तो आप वोट तक नहीं दीजिएगा, आप चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होइएगा? बीजेपी ने भी यही सवाल पूछा है कि आप चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हुए, उसके साथ साथ आपने मताधिकार का भी इस्तेमाल नहीं किया, एक मैसेज गलत गया है। तो अब बीजेपी बाबूलाल मरांडी ने नोटिस जारी कर दिया और दो दिनों का वक्त दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि जयंत सिन्हा की तरफ से जवाब क्या आता है, यह देखने वाली बात होगी। और जवाब नहीं भी आया तो कार्रवाई तय है ऐसा लग रहा है। बिल्कुल कार्रवाई तय है और निश्चित रूप से एक गंभीर सवाल है, जो बीजेपी का इतना कद्दावर नेता है, केंद्रीय मंत्री रह चुका है, वो मतदान अपने बूथ पर आकर नहीं करते हैं, निश्चित रूप से अब किस तरीके से वो जवाब देते हैं, क्या उनके जवाब में होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस को।